बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज राजस्थान के लिए। नए चेहरे का कैसे देखते हैं आप राजस्थान के लिए, क्या लगता है आपको? देखो आप मीडिया वो भी NI, आपके आकलन छत्तीसगढ़ में भी गलत निकले, मध्य प्रदेश में भी गलत निकले, मतलब सरप्राइजिंग निकले, गलत नहीं सरप्राइजिंग निकले, तो राजस्थान में भी सरप्राइजिंग होगा। परीक्षक आ रहे हैं, राजनाथ जी आ रहे हैं, बहुत सीनियर नेता है, रूल जी किस तरीके से देखते हैं कि कौन जो है मुख्यमंत्री होना चाहिए? आपका भी एक अनुभव, बहुत अनुभव रहा है। बहुत अनुभवी पर्यवेक्षक हमारे बीच में आ रहे हैं जो बहुत बड़ी राष्ट्रीय हस्ती हैं और वो बड़े सोच समझ के निर्णय लेते हैं, तो सोच समझ के पार्लियामेंट बोर्ड में या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया होगा और बताया गया ये जो हमको पता लगा कि विधायक दल में हर एक विधायक की राय ली जाएगी, तदुपरांत सरप्राइजिंग फैसला सुनाया जाएगा। वसुंधरा जी भी दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ रहिए ना, उनकी अभी खासी मीटिंग हो रही है, विधायक पहुंच रहे हैं नहीं? वो तो सब जगह जा रहे हैं विधायक, तो मेरे यहाँ भी आए कुछ, ओम माथुर जी के पास भी गए, CP साहब के पास भी गए, वैसे वसुंधरा जी के पास जा रहे हैं। तो जीत के आना, ये खुशी का इजहार करना एक रूटीन की प्रक्रिया है, इसलिए वसुंधरा जी के पास लोग जा रहे हैं। तो आज भी एक सरप्राइज के लिए तैयार रहे हैं? बिल्कुल, आपको एक सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए जिस पर राजस्थान का पूरा देश अचंभा करेगा।